चुनावी रथ में ये गाड़ी कितनी पार करेगी मतदाताओं के हाथ रहती है। किसान का सबसे बड़ा हथियार है आज की तारीख में, इसको चलाना तो मेरे लिए गौरव की बात है। तो हवाई जहाज जैसी उड़ान भी भर देंगी इस बार। मुझे लगता है कि आपके डीडवाना की जनता ने मानस बना लिया कि लंबी उड़ान है इनकी। वो डीडवाना ना आए और उस व्यक्ति से बात ना करे जो बिल्कुल वसुंधरा जी के करीब ही रहा हुआ। अभी सारी बातें पीछे छूट गई, अब तो डीडवाना की जनता का प्यार और ये चुनाव जो डीडवाना की जनता लड़ रही है, अभी तो जिस तरीके से मसलिक की आंख पर अर्जुन का तीर था उसी तरीके से अभी तो हमारी नजर 25 तारीख पर है। आपने पहला चुनाव हारा था लेकिन फिर विजयी रहे, लेकिन सचिन पायलट से हार को क्या अनुभव की तरह लेते हैं, सबक की तरह? वो मेरा पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता थी, समर्पण था कि मेरे को पार्टी ने आदेश दिया, मैंने उस अनुशासन में रहते हुए पार्टी के आदेश को माना। त्रिकोणीय संघर्ष में क्या विरासत को जो डीडवाना के साथ रही है उसको हराएंगे या फिर वो अपनी पार्टी जिसने आपको थोड़ा किनारे किया? देखिए, मुझे लगता है कि कौन तो है ही नहीं, सिंगल कौन है, वो सब एक तरफ है और अलमारी एक तरफ है। राजस्थान की राजनीति की सबसे चर्चित और हॉट सीट पर हम पहुंचे हैं और व्यक्ति भी हॉट हमारे साथ हैं, यूनिस खान, स्वागत है राजस्थान चौक पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान चौक का कि आज डीडवाना आया है, स्वागत है आपका। देखिए, ट्रैक्टर चला रहे हैं, परिवहन मंत्री भी रहे हैं, लेकिन चुनावी रथ में ये गाड़ी कितनी पार करेगी मतदाताओं के हाथ रहती है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी और ये ट्रैक्टर सब चलाए हैं, तो ये तो मेरा परिवार का हथियार था और किसान का सबसे बड़ा हथियार है आज की तारीख में, तो इसको चलाना तो मेरे लिए गौरव की बात है। एक आपकी तस्वीर भी वायरल हुई थी जब नामांकन भरने गए थे, ऑटो में पीछे बैठे थे, आप ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं, क्या चुनावी माहौल भी ऐसे ही बढ़ रहा है? देखिए, राजनीति में और समाज में कभी उतार चढ़ाव सब चलते रहते हैं, वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा, आपके जीवन में ज्यादा रहे, वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो मान नहीं रही थी, और चूंकि चुनाव आयोग का डायरेक्शन है, आचार संहिता है, तो उसके तहत ज्यादा लोग ले जा नहीं सकते, पुलिस की उन्होंने मानी नहीं, तो मैं ऑटो में बैठ के चला गया, फिर भी लोग उसमें पीछे चले गए। ऑटो में मैं कई बार बैठता हूँ हवाई जहाज पकड़ने के लिए, ऑटो सबसे बेस्ट साधन है, जब जाम लग जाता है कोई हवाई जहाज पकड़ना होता है। तो हवाई जहाज जैसी उड़ान भी भर देंगी इस बार? मुझे लगता है कि आपके डीडवाना की जनता ने मानस बना लिया कि लंबी उड़ान है इनकी। यूनी जी, मैं नागौर से आ रहा हूँ और जब मैंने रास्ता पूछा, क्योंकि मैं पहली बार उस रास्ते से आ रहे थे, बोले भाई जिस रोड पे जाओगे वो यूनिस खान ने बनाया है, विकास बोलता है। ये रोड जो है इस पे लाइट करिए भाई, ये रोड जो है सिकर तक जाता है, आप ये देखिए, मैं 7 साल पहले बनाया था, एक इतना सा चिटक नहीं उतरा, और वो रोड जिस पे आप आए हो वो 205 किलोमीटर का सबसे राजस्थान का लंबा सड़क है, एक सिंगल सेंक्शन। लेकिन रोड बनाने के बाद आपकी राजनीतिक पटरी से गाड़ी उतर गई? हम जनसेवक हैं, हमारा पदों से कोई लोभ लालच नहीं है, मुझे मौका मिला था, अवसर मिला था, उस अवसर को जनहित में, लोकहित में उपयोग किया और आज जनता उसको एंजॉय कर रही है। देखिए, आप चर्चित चेहरा हैं और निसंदेह वो सबसे बड़ा चेहरा मैं आपको भाजपा का मानता था जो राजस्थान में मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करता है, मन में कुछ टीस तो रही होगी जब आपने पार्टी छोड़ी? देखिए, ये सच है कि 25 साल लंबा मेरा सफर था, साथ था, और मुझे मान सम्मान मिला ऐसा नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसे पैदा हो गई कि ये निर्णय जनता ने कर लिया जी। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, राजस्थान चौक पूरे राजस्थान घूम रहा है, और डीडवाना ना आए और उस व्यक्ति से बात ना करे जो बिल्कुल वसुंधरा जी के करीब ही रहा हुआ, कुछ तो बात रही होगी कि उन्होंने कहा होगा भाई पार्टी में तो रहे, मैं कुछ देखती हूँ। अभी सारी बातें पीछे छूट गई जी, अब तो डीडवाना की जनता का प्यार और ये चुनाव जो डीडवाना की जनता लड़ रही है जी। अभी तो जिस तरीके से मसलिक की आंख पर अर्जुन का तीर था उसी तरीके से अभी तो हमारी नज़र 25 तारीख पर है, पीछे क्या था क्या नहीं था ये सब भूल करके इस जनता की सेवा के लिए
ये अवसर मुझे मिला है उसको किस तरीके से हम परिणाम में बदलें उसकी लगे हुए। देखिए इसी निशाने को देखने हम यहाँ आए हैं इतनी दूर चलकर और आधी रात जब आप ट्रैक्टर चला रहे हो, लेकिन खास बात यह आपने कहा कि पार्टी वो दीनदयाल उपाध्याय वाली अटल बिहारी वाजपेयी वाली सिद्धांतों को पीछे छोड़ दिया। वैसे राजनीति में ऐसे झटके लगते रहते हैं, लगना चाहिए थोड़ा ये भीड़ एहसास होना चाहिए आपके आपके साथ बैठे समर्थकों का जोश है। लेकिन देखिए लोग, मैं सुबह 8 बजे निकलता हूँ और चुनाव आचार संहिता का जब तक नियम है उस समय तक तो रैलियाँ हम नियम अनुसार करते हैं, फिर पैदल चल करके लोगों से जनसंपर्क करते हैं, ये रात को 1 बजे 2 बजे तक चलता है। देखिए अपना सवाल ये था कि क्या पार्टी भाजपा अब बदल गई है, ये आपने मैंने ये कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दो बातें कही, एक तो उन्होंने कहा कि जो गरीब है और गांव और ढाणी में अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ उसके पास सुविधाएं पहुंचे, ये हमारा मकसद है, ये हमारा मकसद है। आपके दूसरी उन्होंने कहा था कि कई बार हाईकमान निर्णय लेते वक्त फेवर कर देता है, तो उसको मतलब करेक्ट करने का, त्रुटि को करेक्ट करने का मतदाता और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, इसलिए रीणा का कार्यकर्ता और मतदाता लगा हुआ है कि जो गलती दिल्ली से हुई उसको सुधार दो। इसी से जुड़ा सवाल है, क्या भाजपा मुस्लिमों को किनारे कर रही है, वो भी आप जैसे सॉफ्ट मुस्लिम को? देखिए ये भाजपा का शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि अभी तो जनता की सेवा मेरा प्राथमिकता है। हमारा सेवक कैसा? एक और सवाल बनता है कि राजस्थान की जब बात होती है तो डीडवाना का प्यार आपको मिला है, डीडवाना का प्यार हमेशा मिला है, लेकिन पार्टी में रहते हुए अब निर्दलीय है, क्या कहें? सर डीडवाना की जनता ने मुझे मान सम्मान स्नेह आशीर्वाद और प्यार हमेशा दिया, मैं उसका आभारी हूँ, और अब मुझे इस बात मैं कैंडिडेट हूँ ही नहीं, यहाँ कैंडिडेट डीडवाना की जनता है, वो चुनाव लड़ रही है, मैं कैंडिडेट नहीं। आपने पहला चुनाव हारा था लेकिन फिर विजयी रहे, लेकिन सचिन पायलट से हार को क्या अनुभव की तरह लेते हैं, सबक की तरह? वो मेरा पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता थी, समर्पण था कि मेरे को पार्टी ने आदेश दिया, मैंने उस अनुशासन में रहते हुए पार्टी के आदेश को माना, और ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि डीडवाना की जनता ने कहा कि आप डीडवाना से चुनाव लड़ेंगे, और ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये डीडवाना की जनता का चुनाव। जीते तो वापस भाजपा में जाएंगे? ये अभी न भाजपा में न कांग्रेस में, क्योंकि मुझे सर्वधर्म सर्वजातीय और सर्वस्पर्शी समर्थन मिल रहा है, उसके बाद कांग्रेस की सारी लीडरशिप आपके पीछे तो बैठे हैं, ये कांग्रेस के चेयरमैन रहे हैं कांग्रेस, और ये सब कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के सारे पदाधिकारी, बीजेपी के सारे चुने हुए आरएलपी के लोग, बसपा के लोग, सारे लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, इसलिए 4 तारीख को परिणाम के बाद डीडवाना की जनता को पूछूंगा, और वो जो कहेंगी उसके अनुसार मैं निर्णय करूँ। एक सवाल अंतिम हो जाए कि आपने विकास बहुत कराया, लेकिन बिना पार्टी के निर्दलीय इतना शायद करवा पाओ तो एक चुनौती तो है। मुझे लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जितने मत मिलेंगे उससे कहीं अधिक अलमारी के ऊपर वोट पड़ेंगे। एक चूंकि हम यूनिस खान से बात कर रहे हैं, देश भर की निगाहें आप पर हैं, तो खान साहब एक अकलियत के लिए मुद्दे बहुत हैं, और खास तौर पर आपने राजनीति अलग तरीके की करी है, आपने राजस्थान को जब सड़क विकास की बात होती है तो यूनिस खान की बात होती है, तो अब क्या मुद्दे ऐसे हैं जिन पे डीडवाना आपको जिताए? मेरा फोकस डीडवाना है, और डीडवाना में मतलब सबसे बड़ी समस्या अभी 5 वर्षों में जो खड़ी हो गई वो पीने के पानी की, कानून व्यवस्था की, भ्रष्टाचार और
जो रोजगार साथ साथ में यहाँ सबसे ज़्यादा वर्तमान विधायक ने भय और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैलाया, अन्याय और अत्याचार किया, उसको समूल नष्ट करना मेरी प्रथम प्राथमिकता है। अंतिम सवाल ले लेता हूँ, जब आपको टिकट बीजेपी ने नहीं दी थी तो बात उठी थी कि कांग्रेस में जाएंगे, तो क्या जीतने के बाद कांग्रेस के भी द्वार हैं? मैंने आपको बताया ना, मेरा निर्णय है डीडमणा की जनता करेगी, मेरा निर्णय डीडमणा की जनता करेगी। एक इस पर जवाब दे दीजिए, फिर आप सभा में आ गए हैं, आपको जनता से भी मिलना है तो हम चाहेंगे सबसे मुलाकात भी करें, और ये ट्रैक्टर और आपकी अलमारी का जो मेल है वो लगातार बना रहे, बड़ी संख्या में ये लोग भी यहाँ पर आए, तो ये वाला सवाल हम जनता के बीच में ही ले लेते हैं कि अगर यूनिस खान जीत रहा है डीडवाना, तो डीडवाना और जयपुर के जो अधूरे काम है वो कौन कराएगा? देखिए, डीडवाना की जिम्मेदारी मेरी है और जयपुर की जिम्मेदारी तो जो सरकार बनाए उसकी है। सरकार का आप अंग तो होंगे क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी रही है। अभी सरकार मुझे मिले या नहीं मिले, मुझे डीडवाना की जनता का प्यार मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, और मुझे लगता है कि आशीर्वाद विजय में बदलेगा। तो मेरी अभी प्राथमिकता एक ही है कि किस तरीके से इस डीडवाना की जनता के अधूरे सपने पूरे करें, और उन सपनों को पूरा करने के लिए मुझे समर्थन भी चाहिए, प्यार भी चाहिए और आशीर्वाद भी चाहिए। त्रिकोणीय संघर्ष रहा है इस सीट पे, अंतिम आपसे जुड़ा हुआ सवाल भी बनता है, इस त्रिकोणीय संघर्ष में क्या उस विरासत को जो डीडवाना के साथ रही है उसको हराएंगे, या फिर वो अपनी पार्टी जिसने आपको थोड़ा किनारे किया? देखिए, मुझे लगता है कि कौन तो है ही नहीं, सिंगल कौन है, वो सब एक तरफ हैं और अलमारी एक तरफ है। अलमारी में आपको आज मतलब ये राजस्थान चौक को कह रहा हूँ कि 4 तारीख को मैं आपको फिर इंटरव्यू दूंगा, या 3 तारीख को 3 बजे बाद दूंगा, आप देखना, दोनों के वोट जोड़ लेना, अलमारी के वोट कम रह जाए तो जनता डीडवाना की जनता पर विश्वास मत करना। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ राजस्थान की बात अंकित कार्यक्रम में यूनिस खान, और यूनिस खान का यह विशेष इंटरव्यू डीडवाना में इसीलिए भी बनता है कि डीडवाना की जनता का प्यार बतौर निर्दलीय यूनिस खान को मिल रहा है, इसकी झलकी भी सभा के जरिए आपने देखी है। तो आपको मुलाकात कराते रहेंगे, राजस्थान की चर्चित सीट जो हॉट सीट बनी हुई है उन पर आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश के साथ अंकित तिवारी डीडवाना से लेता है विदा, फिर मिलेंगे नई विधानसभा में। नमस्कार।